Of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from. You are watching Brain Master Spoken English. आज मैं आप लोगों के सामने में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं. आप जानते हैं शेक्सपियर का वो प्ले जिसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस कहते हैं. उसमें एक कैरेक्टर शाइलॉक है जो कोर्ट में जाता है अपने बाउंड के मुताबिक. वो चाहता है कि उसका इंसाफ हो और वो कोर्ट के बात को मानने से इनकार कर देता है. अभी जो आप एक लड़की देखे वो लड़की कैरेक्टर है, उसका नाम है पोर्शिया, जो लॉयर बनकर वहाँ आती है. वो पहले उस यहूदी यानी कि शाइलॉक को समझाती है कि मर्सी क्या होता है, रहमत क्या होता है जो खुदा भगवान की तरफ से आता है. वो कहती है It droppeth as the gentle rain from heaven. The quality of mercy is not strained. It dropped as the gentle rain from the heaven. कहती है quality of mercy. Mercy का मैार कभी दागदार नहीं होता, रहमत का मैार कभी दागदार नहीं होता. It dropped. ये टपकता है as the gentle rain from the heaven, जिस तरह आसमान से बूंद बूंद होकर पानी झमझम गिरते हैं, आसमान से टपकता है. हेवन का मतलब यहाँ द स्काई, और पोएटिक लैंग्वेज में इसे ब्लू फॉर्मामेंट भी कहते हैं. On the place beneath, it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. Upon the place of beneath, वो जमीन पर गिरता है. इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोबारा, ये दो बारा खुशनसीबी लाता है. इट इज ब्लेस्ड अपन हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स. ये उन लोग के लिए रहमत होता है जो मर्सी किसी पर करते हैं, और उन लोगों पर भी होता है जो कोई मर्सी देते हैं. देने वाले के लिए और लेने वाले के लिए भी मर्सी यानी कि रहमत बहुत ही ऊंचा मकाम रखता है. Tis mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. It mightier, mightiest of all the mightiest. ये जो है जितने ताकतवर हैं वो ताकतवर से भी ताकतवर है. और मर्सी माइट माइटर माइटिएस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है मर्सी के लिए. It becomes the throne, throned monarch. ये तख्त नशीं बादशाहों से better than his crown. उसके ताज से भी ऊंचा है. यानी कि किसी पर रहम करना, ये ताज से भी ऊंचा है. His scepter shows the force of temporal power. His scepter. Scepters show the face of the temporal power. उसके हाथ में जो राजदंड है जिसे असा कहते हैं, उर्दू में अजा के असा कहते हैं और हिंदी में उसे राजदंड कहते हैं. Scepters show the face of a temporal power. ये सांसारिक पावर है, एक कुछ दिन के लिए पावर है. The attribute to awe and majesty wherein doth sit the dread and fear of kings. The attribute to awe एंड मेजेस्टी, खौफ का विशेषता क्या है? मेजेस्टी और मेजेस्टी महिमा, महिमा महिमा मतलब बड़ा, मेजेस्टी सबसे बड़ा है यानी कि असाधारण है, मेजेस्टी है. वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, जहां पर राजा भी बैठता है तो डरता है. फियर ऑफ किंग, जहां हम डरते हैं बादशाह से, नहीं डरना है. मर्सी अगर हो जाए तो आप उससे निकल जाएंगे. बट मर्सी इज अबव दिस सेप्टर्ड स्वे. बट मर्सी इज अबव द सेप्टर्स स्वे. ये मर्सी जो है, रहमत जो है, अल्लाह का अगर आता है राज दंड से भी बड़ा है. Above the scepter sway, यानी के राजदंड से भी बड़ा है. वो यहां ये कहना चाहती है कि ए शाइलॉक, तुम मर्सी करो, तुम दया दिखाओ, कि जो कोर्ट का फैसला है और जो तुम चाहते हो, एक पॉन
जो गोश्त चाहते हो वैश्वानियों के शरीर से, ये आप गलत चाहते हो जो कोर्ट फैसला देता है वो मान लो, मगर यहूदी मानने को तैयार नहीं है। पोर्सिया उसे ये बात समझाती है। ओके, कुछ वर्ड्स इसमें आए जिसमें ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप से बना, पहले लिखा जाता था, ये ब्लैंक वर्स में पूरा लिखा गया ड्रॉप। और जेंटल रेन, यहाँ पर मैं जेंटल का माने बता दे रहा हूँ, आहिस्ते आहिस्ते गिरना, हाँ ब्लेस्ड है। और इस जगह पर और एक वाला माइटेस्ट का तो बताया। सबसे बड़ा बात है कि टेम्पोरल, टेम्पोरल माना क्षणस्थाई, कुछ दिनों के लिए हम यहाँ पर अपने आप को बड़ा बनते हैं, ये कुछ नहीं है। भगवान के मर्सी पर हम जिंदा हैं, उसकी दया पर हैं, हमें भी दूसरे पर दया करना होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ वर्ड सीखे होंगे, और इंतज़ार करिए फिर दूसरा वीडियो आपके सामने में आएगा। थैंक्स अ लॉट। आप इस तरह देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।